In this question, they are asking, in limited supply of oxygen, C and Si are allowed to react at sufficiently high temperature in separate vessels. Favorable products are. Now you see कि Si separate vessel है, ये तो यही stable होता है. सिलिका SiO2, SiO तो अनस्टेबल है, SiO अनस्टेबल है. अब कार्बन के केस में हम देख सकते हैं CO एंड CO2, बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो फर्दर हमारे जो है वो CO2, ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक तरह की ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, लाइक फोर एंड जीरो से ये हमारे कंबाइन होके यहाँ सीओ वाला जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो व्हाट वी कैन से, लाइक बिकॉज दिस इज़ द हाई टेम्परेचर, दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो happens in it, so finally our final product we can say SiO2 and in D option it is CO, so D option is the correct answer.